कक्षा 11वीं की स्टूडेंट पहली आपके यहाँ पर राजनीति शास्त्र का बुक रियल पेपर लेके आ चुके हैं, और साथ ही इस पेपर को आपको फेक पेपर नहीं समझना क्योंकि पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है और पूरा पीडीएफ हमारे पास आ चुका है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पीडीएफ आ चुका है और पूरा पेपर हम आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराने वाले हैं। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना, अगर आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरी याद कर लेते पूरे पूरे मार्क्स लाने वाले आप यहाँ पर राजनीति शास्त्र के पेपर में, क्योंकि पूरा आपका रियल पेपर ठीक है। और आपको इस पेपर फेक पेपर नहीं समझना, और फेक पेपर समझने की गलती आपको नहीं करना क्योंकि ये आपका रियल पेपर हम आपको फिर से बता देते हैं जिससे आप पूरे पेपर याद कर लेते हैं तो 80 में 80 मार्क्स लाएंगे। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए समय आपका 3 घंटे रहेगा, कुल प्रश्न आपके 23 रहने वाले हैं। तो चलिए जहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए जो आपका यहाँ पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की सही विकल्प, तो आपको ध्यान से देखना वीडियो को सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट तो वो आपको यहीं पर रट लेने ठीक है। तो पहले आपके यहाँ पर आता भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हैं, तो आपका आता 8, 12 9 और 7 11 और 12। तो यहाँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, तो इसका आंसर आपका 10 हो जाएगा 12। तो अच्छी तरह से आपको यहाँ पर याद कर लेना ठीक है। अब आपका यहाँ पर दूसरा आता राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, 25 दिसंबर और 25 सितंबर, 28 अगस्त। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है आपके यहाँ 25 जनवरी ठीक है। दूसरे का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर तीसरा आता है तो तीसरा देख लेते हैं, दल बदल ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो आपका आता 42वां और 44वां और 52वां और 73वां। तो दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है, तो इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा 52वां। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना क्योंकि वो आपका यही पेपर आने वाला, जब भी आप यहाँ पेपर देने जाएंगे तो आपको पेपर में यही पेपर धरा मिलेगा, सिर्फ आपको इस पेपर को रट लेना, पूरे नंबर लाएंगे हम आपको फिर से बता रहे हैं ठीक है। आपका चौथा आता है, तो चौथा आप यहाँ पर देख स्वराज्य का अर्थ है, तो आपका आता स्वतंत्र ठीक है, और 12 स्वर का शासन और 7 समान समुदाय और 10 स्वर स्वर के ऊपर शासन। तो आपको यहाँ पर जो आपका दिया है 5वां स्वराज्य का अर्थ है, सॉरी चौथा स्वराज्य का अर्थ है, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट हो रहा होगा जो यहाँ पर स्वराज्य का अर्थ है वो आपका हो जाएगा 100 का शासन ठीक है। चौथे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा 100 का शासन। अब चलिए आपको यहाँ पर आता है ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 5वां था भारत का संविधान है ठीक है। भारत का संविधान है तो आपका आता विकसित और 12 अलिखित और 7 लिखित व निर्मित और 10 कठोर। तो भारत का संविधान है आपका लिखित व निर्मित ठीक है। तो 5वें का आपका 7 करेक्ट आंसर हो जाए लिखित व निर्मित। अब 6वां था भारतीय संविधान में स्वतंत्रता व समानता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा 7 फ्रांस ठीक है। 6वें का आंसर आपका 7 हो जाएगा फ्रांस। तो इस तरह से आपको जो 6 नंबर की सही विकल्प बुक कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे ठीक है। अब आते हैं रिक्त स्थायी पूर्ति की 6 नंबर की आते हैं, ध्यान से देखना आप यहाँ पर देख लीजिए भारत में वोट डालने की उम्र है तो 18 वर्ष ठीक है। 18 वर्ष हो जाएगा पहले का आंसर, आप यहाँ पर देख लीजिए 18 वर्ष आपका यहाँ पहले का आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो दूसरा रिक्त स्थान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर जो दूसरा रेगिस्तान आता है आप यहाँ पर देखते हैं भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य डोनट आयुक्त होते हैं, तो आपके 2 होते हैं ठीक है। तो दूसरे रेगिस्तान का आंसर आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर तीसरा आता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह चुनाव ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग प्रदान करता है, तो आपके यहाँ पर तीसरे रेगिस्तान का आंसर हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भारतीय निर्वाचन आयोग प्रदान करता है। फिर चौथा आता है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक डोनट थे, तो जो चौथे का आंसर आपको खुद कर लेना ठीक है। 5वां आता भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष ठीक है, 5 वर्ष होता है, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ठीक है 5वें का आंसर 5 वर्ष। अब 6वां आपका यहाँ पर रेगिस्तान आता है, आप यहाँ पर देखते हैं ए थ्योरी ऑफ जस्टिन पुस्तक डोनट द्वारा लिखी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जॉन रॉक्स ठीक है। जॉन रॉक्स आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए जॉन रॉक्स आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 6वें रेगिस्तान का ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना जॉन रॉक्स, तो आपके इस तरह से यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट ठीक है, जो कि आपके 6 नंबर के थे। अब आते हैं 77 लिखी जो कि 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आपके यहाँ पर आता दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 बना, तो पहला आपका 70 रहेगा। और भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किया है, तो दूसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा 70 क्योंकि वर्तमान में आपके 6 हैं ठीक है, तो आपका दूसरा 70 रहेगा। और तीसरा था पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स हैं, तो तीसरा आपका 70 हो जाएगा। और प्लेटो के गुरु अरस्तु थे, तो आपका जो ये भी जो चौथा वो चौथा भी आपका 70 रहेगा। 5वां था ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स रचना जॉन लास्की की है, तो ये आपके यहाँ पर रहने वाला 7 ठीक है। और जो आपका यहाँ पर आता है 6वां स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है, तो ये आपका जो 6वां ये भी 70 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 70 है वो कंप्लीट हो जाते हैं, पहला आपका 70 रहेगा, दूसरा आपका 70 रहेगा,
तीसरा भी असत्य रहेगा और चौथा आपका असत्य रहेगा, पाँचवा सत्य रहेगा, छठवां सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न चार, सही जोड़ी मिलाइए, छः सात नंबर की आती हैं। तो पहली आपके यहाँ पर आती है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहली आती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य संख्या, तो इसे आपको 12 से मैच कर देना है। और जो आपकी दूसरी आती है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को आपको यहाँ पर राष्ट्रपिता से मैच करनी है। और राज्यसभा का पदेन सभापति, तो तीसरी आपको यहाँ पर मैच कर देनी है आपकी। ठीक है, आपको यहाँ पर उपराष्ट्रपति से मैच करनी है तीसरी। और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसे मैच करना आपको यहाँ पर। ठीक है, जॉन रॉल्स हैं। और जो आपकी यहाँ पर आती है पाँचवीं, डोनाल्ड ट्रंप, तो इसे आपको यहाँ पर मैच कर देना। ठीक है, अमेरिकी की राष्ट्रपति सामने ही मैच करना। ठीक है, यहाँ पर देख लिए अमेरिकी की राष्ट्रपति से मैच कर देना। और छः माता विधायकी का कार, तो विधायकी कार आपको यहाँ पर हो जाएगा कानून बनाना। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रतिभा पाटिल, तो इसे आपको यहाँ मैच कर देना किससे। ठीक है, आपको यहाँ प्रतिभा पाटिल को मैच करना आपको यहाँ पर राष्ट्रपति से। तो इस तरह से जो आपकी सयोनी बुक कंप्लीट हो जाती है, तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए। आपके लिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ बाक मोहतरी सात नंबर के आते हैं। तो पहला आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो आपका पहले का जो यहाँ पर आंसर रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, पहले का आंसर आपका रहेगा अनुच्छेद 23-24। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आपका हो जाएगा 23-24। पहले का आंसर आपका 23-24 रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता है समता का अधिकार क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला समता का अधिकार क्या है, तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कानून की समक्ष समानता। ठीक है, ये आपके यहाँ पर समता का अधिकार है। और तीसरा आता शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में, तो आपका ठीक है अनुच्छेद 21 में, जो आपके यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 21 में है। फिर आपके यहाँ पर आता है स्वराज्य क्या, ठीक है, तो स्वराज्य क्या इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इसका आपके यहाँ पर आंसर रहने वाला स्वराज्य क्या है, तो स्टूडेंट इसका आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। ठीक है, स्वराज्य क्या, स्वराज्य का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य। ठीक है, जो आपके यहाँ पर स्वराज्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वशासन व स्वशासन या अपना राज्य। अब चलिए आपको जो तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी आपका पाँचवा आता है चार भारतीय राजनीतिक चिंतकों के नाम लिखिए, तो इसका आपको खुद कर लेना। ठीक है, और पाँचवा आता है संविधान सभा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका विद्वानी की उस समिति को कहते हैं जो किसी देश के संविधान को बनाती है। ठीक है, आप यहाँ फिर से सुन लीजिए, विद्वानों की उस समिति को कहते हैं जो किसी देश के संविधान को बनाती है। अब आपका आता सामाजिक न्याय क्या है, तो इसका आंसर आपका रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए सामाजिक न्याय से आशा एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएँ न्यूनता हों, समाज समावेशी और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो। इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सातवीं का। अब चलिए आपके यहाँ पर जो आपके विकल्प हैं, यानी जो कि आपके ऑब्जेक्ट हैं, वो हमने पूरी करा दी, पूरा आपका यहाँ पर रियल पे हम करा रहे हैं। प्रश्न छः आता कर पालिया क्या, अथवा था लोकतंत्र में कर पालिया किसके प्रति उत्तरदायी होती है। और प्रश्न सात आता समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया, अथवा था अवसरों की समानता क्या। प्रश्न आठ आता प्राकृतिक अधिकार क्या लिखिए, अथवा शिक्षा का अधिकार क्या लिखिए। जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। प्रश्न नौ आता मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए, अथवा था मानव अधिकार क्या लिखिए। और प्रश्न दस आता है उदारवाद क्या लिखिए, अथवा था न्यायोचित प्रतिबंध क्या लिखिए। प्रश्न ग्यारह तक मार्क्सवाद क्या, अथवा था सामूहिक उत्तरदायी क्या, ठीक है लिखिए। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। और संवैधानिक औपचारों का अधिकार क्या लिखिए, अथवा था राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को समझाइए। और प्रश्न तेरह था मौलिक कर्तव्य क्या उसका, अथवा था संपत्ति का अधिकार कब व किस संविधान संतुलन के तहत हटाया गया था। चौदहवा क्वेश्चन आता पंद्रह क्वेश्चन आता स्वतंत्रता का क्या है, उनके प्रकार को लिखिए, अथवा तक प्रतिबंध को क्यों आवश्यक है उदाहरण देकर लिखिए। और प्रश्न सोलह आता हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी उदाहरण देकर समझाइए, अथवा आता संविधान क्या है उसकी विशेषताओं को लिखिए। फिर सत्रहवा क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता अठारहवा क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर आपके यहाँ पर अठारहवा क्वेश्चन आता है लोकतंत्र में सामाजिक न्याय जरूरी है, तीन उदाहरण देकर लिखिए। फिर आपका इसका अथवा आता अथवा देख लीजिए। उन्नीसवा क्वेश्चन आता है समानता का अर्थ व उसके प्रकारों को लिखिए, और इसका अथवा आता समानता व स्वतंत्रता एक दूसरे के पूरक हैं व्याख्या कीजिए। फिर आपका बीसवा क्वेश्चन आता है इक्कीसवा क्वेश्चन देख लीजिए। और बाईसवा क्वेश्चन आता है विधेयक का क्या है, इसके प्रमुख कारणों को समझा कर लिखिए, अथवा आता संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया को समझा कर लिखिए। फिर आपका तेईसवा क्वेश्चन आता है निर्वाचन आयोग क्या, इसके प्रमुख कारणों को समझा कर लिखिए, इसका अथवा आता तो अथवा देख लीजिए। इस तरह से आपका पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कक्षा ग्यारहवीं का राजनीति शास्त्र का, पूरा आपका हमने रियल पेपर करा दिया। और इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रट के जाना, जो इसका सॉल्यूशन है सॉल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हमने पूरा आपको यहाँ पर रियल पेपर करा दिया, तो हम यहाँ पर
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।